हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग भी सब खैरियत से हैं। गाइस, आज मेरा बेटा का बर्थडे है, बड़ा वाला बेटा का। तो सो मैं आज बना रही हूँ केक। तो मैं सही सरप्राइज केक बना रही हूँ। आज उसने मना किया था, मम्मा रोज़ा है, आप छोड़ दिए, क्या केक बनाइएगा। तो सिर्फ बिरयानी बना ली, उसकी फरमाइश थी। बट मैं सोची चलिए एक छोटा सा केक बना लेती हूँ। तो मैं बना रही हूँ केक, और सरप्राइज केक है इसलिए मैं चोरी चोरी चुपके चुपके बना रही हूँ केक उसके लिए। वो स्कूल से आ गया था तो मैं इसको फ्रीज में रख दी थी, तो अभी वो गया है, किसी काम से बाहर गया है, तो मैं फटाफट इसको डेकोरेट करूँगी। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ क्या ये मेरा बेटा का सरप्राइज केक कैसा बनाई। देखिए गाइस, ये मैंने बनाया है केक, और अब मैं इसको करूँगी डेकोरेट। सो बस इसमें ना थोड़ा सा क्रीम कम हो गया, तो क्योंकि अब सामान ज़्यादा लाई नहीं। मेरा एक क्रीम रखा हुआ था, उसी को मैंने व्हिप्ड करके मैंने उसको बना लिया। अब मेरे पास है ये कुछ बॉल्स हैं, ये है वाइट बॉल, ये है गोल्डन बॉल। अब इससे मैं इसको डेकोरेट करूँगी, फटाफट कर लेती हूँ, नहीं तो वो लोग आ जाएंगे तो फिर देख लेंगे कि मम्मा फिर आज केक बनाई है। सो गाइस, जल्दी जल्दी हम लोग अपना इसको डेकोरेट करते हैं। इसको मैं वैसे ही बॉल से डेकोरेट कर दूँगी ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे केक मेरा। क्रीम होता ज़्यादा तो और अच्छा लगता, बट मैंने इसमें लेयर नहीं काटा है क्योंकि क्रीम कम था, तो मैं लेयर नहीं काटी मैं इसमें। वैसे ही इसमें मैं ऊपर से ही क्रीम सिर्फ डाल दी हूँ, और इसकी रेसिपी इंशाल्लाह मैं किसी दिन डालूँगी। आज सिर्फ मैं फटाफट वैसे ही बना रही हूँ, सरप्राइज केक है इसलिए मैंने वो रेसिपी भी नहीं डाला इसमें के लिए। और आप ज़रूर बताइए कमेंट में कि मेरा केक आपको कैसा लगा। तो ये मैंने डाल ली अब वाइट बॉल। उसकी फरमाइश थी कि मम्मा सिर्फ आप वो बना लीजिए, बिरयानी बना लीजिए। बिरयानी तो बनाऊंगी उसके लिए, तो हर बार मैं उसके लिए केक बनाती हूँ। सोचा इस बार नहीं बनाऊँ, अच्छा नहीं लगा। तो चलिए भाई, थोड़ा सामान है मेरे पास तो केक बना लेती हूँ। तो फटाफट मैं केक बनाना शुरू की, तभी वो आ गया स्कूल से। फिर मैं इसको बनाते बनाते फ्रिज में रख दी, अभी वो गया है कहीं बाहर, तो मैं अभी कर रही हूँ फटाफट इसको डेकोरेट। तो ये मैंने डाल दिया इसमें वाइट बॉल। थोड़ा सा साइड पे भी बॉल दे देती हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। इसे स्टेप से इसको ऐसे करके इसको बॉल थोड़ा सा डाल देती हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगे। सो गाइस, देखिए मेरा केक बिल्कुल रेडी है। मैं दिखा रही हूँ, बगल से दिखा रही हूँ, मैं आपको देखा था नज़दीक से। देखिए ये मेरा केक है, और ये मैंने डेकोरेट कर लिया है तरफ से, चारों तरफ से मैंने ये वाइट बॉल्स और गोल्डन बॉल्स दी है मैंने, आप देख सकते हैं। अब मैं इसको फ्रीज में रख दूँगी, फिर उसको रात को मैं सरप्राइज दूँगी। तो गाइस, चलिए इसको हम लोग फ्रीज में भी रख देते हैं। हे गाइस, इफ्तार हो चुका है, नमाज भी हो गया। चलिए अब टाइम भी 7:30 हो चुका है, अब हम लोग केक कट कर लेते हैं, क्योंकि जो मैं सरप्राइज़ रखी थी उन लोगों के लिए, तो सरप्राइज़ रहा नहीं। मेरी बेटी भैया को बता दिए कि भैया आपके लिए मम्मा केक बनाई है, तो सरप्राइज़ रहा नहीं। चलिए सोचते चलिए केक कट कर लेते हैं। ये लोग फिर जाएंगे तरावी पढ़ने के लिए 8 बजे, तो फिर लेट नाइट आएंगे ये लोग। चलिए फटाफट पहले हम लोग केक कट कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं डिनर रेडी करूँगी।
गाइस देखते हैं बिरयानी मेरा कैसा बना है। खुशबू तो बहुत जबरदस्त आ रही है, तो आप देख लिए मेरा बिरयानी बनकर रेडी हो गया है। अब हम लोग जा रहे हैं खाने के लिए। तो गाइस बिरयानी मेरा रेडी है, अब जा रहे हैं हम लोग बिरयानी खाने के लिए। मिलते हैं फिर बिरयानी खाने के बाद, फिर बात करेंगे, तब तक वीडियो को मैं बंद करती हूं। गाइस हम लोग का डिनर हो चुका है, चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं। गाइस मेरा बेटा का बर्थडे है आज, तो आप लोग दुआ दीजिएगा उनको अच्छे से, उनके फ्यूचर के लिए, उसके सेहत के लिए। और जो मैं आज ब्लॉग बनाई हूँ तो प्लीज़ उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, बस ही सपोर्ट कीजिएगा मुझे, अपने दुआओं में याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।